सीहोर के आष्टा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ने पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसियों को मैं सपने में दिखाई देता हूं। इस दौरान उन्होंने किसानों की खराब सोयाबीन फसल को देखकर कहा कि कांग्रेस सरकार तत्काल फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दे, नहीं तो किसानों की लड़ाई सड़कों पर लड़ूंगा। आपको बता दें कि पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पूर्व सीएम को अपराधी बताया था। हमारे किसान भाइयों ने ज्ञापन सौंपा है। मैं ये फसल देख रहा हूँ, सोयाबीन की है, लेकिन एक भी फल्ली इस फसल में नहीं लगी है। सोयाबीन की जितनी भी इस इलाके में फसल है, अफलन का शिकार हो गई है, और फल नहीं लगने, फल्ली नहीं लगने के कारण हमारे ऐसे किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। उसका यह ढंग से सर्वे करवाए, राहत की राशि दे और बीमे की राशि दिलवाए, किसानों की जायज बात की, जायज मांग का मैं समर्थन कर रहा हूं। पहले हम चर्चा और बातचीत करेंगे, और चर्चे से अगर प्रशासन और सरकार नहीं मानी तो किसानों की लड़ाई हम सड़कों पर लड़ेंगे।